रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, दोनों को ही लेकर अमेरिकी डरे हुए हैं, खौफ खा रहे हैं एटमी हमले का। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बता दें, टर्की में शांति वार्ता पर रूस का बड़ा बयान आया है। ज़ेलेंस्की से पुतिन के मिलने का कोई प्लान नहीं है, बड़ी खबर इस वक्त की, यानी युद्ध विराम की जो उम्मीदें दुनिया में कई लोग लगाए हुए हैं उन सब पर गहरा झटका। 29 मार्च को टर्की में हो रही है शांति वार्ता, लेकिन रूस ने साफ कहा है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच बैठक की कोई संभावना नहीं है। ये रूस और यूक्रेन के बीच चौथी बार बातचीत हो रही है, युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं टर्की के राष्ट्रपति, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। टर्की में शांति वार्ता पर ज़ेलेंस्की से पुतिन के मिलने का कोई प्लान नहीं है।